तो रोज की तरह मैं अपने लाइव स्ट्रीम पे खेल रही होती हूँ लिविक मैप। और जैसे कि हम हर बार करते हैं, इस बार भी हमने वही करा, अच्छा, इवेंट पे तुम्हारे उतर क्लास गए। फोर और एक्सचेंज जो से। मैं हाँ, करती हूँ हर बार, इस बार भी मैंने वही करा, बंदे वहाँ तो उतरी जहाँ पे कोई गन ही नहीं मुझे मिल सके। बट एनीवे, मैं भी जैसे ऐसे तैसे चलो मुझे सुनती गन हूँ मिल ना, गई थी। और जिससे आगे मेरे देखो को होता है फड़े ही क्या। पड़े। अब यहाँ से मुझे गन मिली और मुझे इस तरफ से दो बंदे मिल गए। अब इन दोनों को निपटा देती हूँ और जल्दी से अपना किल भी फिनिश कर लेती हूँ। अरे नहीं यार, किल फिनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपने किल करा और उसको वैसे ही छोड़ दिया ना, तो समझ लो फिनिश कोई और कर देगा। इसीलिए मेरा किल करने से ज़्यादा फिनिश करने पे ज़्यादा फोकस होता है। जैसे कि इन भाई साहब को जैसे मैंने नॉक करा, भागती भागी आई और इनको फिनिश करा। इनको फिनिश करके मैं लूट ही रही होती हूँ कि ये देखो मुझे मिल गया फ्री का किल। फ्री किल गाइस, देख रहे हो मेरी खुशी, मेरी खुशी इतनी ज़्यादा थी फ्री को किल पाके। लेकिन उतने में ही हमारे 4 नंबर भाई साहब रोने लग गए, मुझे बचाओ भाई बोल के। तो अब मैं उधर जा रही थी, लेकिन 2 नंबर भाई ने वहाँ का संभाल लिया था। अब वहाँ जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैं इधर उधर जा कर रही थी कि कहीं से कोई नॉक वाला दिख जाए ताकि मैं उसे फिनिश कर सकूँ। मैं यहाँ पे यही करती हूँ। एनीवे, तो वहाँ पे मुझे मिल गया है, ये देखो। अब मिल गया तो फिनिश करना भी ज़रूरी है ना, तो इसको फिनिश करती हूँ, इसके टीममेट को नॉक करती हूँ। और ये देखो, ये भाई साहब मेरा किल चुराने का सोच रहे हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। तो मैं मेरा किल पहले फिनिश कर देती हूँ और अब बारी है इन भाई साहब की। देखो तो ज़रा ये, अब जबकि ये भी नॉक है तो सोचा चलो इनको फिनिश करते हैं जल्दी जल्दी से और यहाँ पे आके अच्छा लूट गाइस, लेते सेंट्री हैं। मिल गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आकर इस डिब्बे को ओपन करते हैं। यहाँ पे लूट के जा ही रहे होते हैं कि यहाँ पानी में गिर जाते हैं। और यहाँ हमारे 3 नंबर भाई साहब ने लड़ाई फिर ले ऐसे ली निकल भी सकती हूँ और क्या? यहाँ पे इनको फिनिश कर दिया गया है। लेकिन लकीली 2 नंबर और 4 नंबर ने वहाँ का मोर्चा संभाल लिया है नाइस नाइस और टाइम भी ख़त्म, तो इन लोगों ने हमें वापस गाइस, नीचे गाड़ी आ भेज रही थी दिया। यार, ये देखो इधर से गाड़ी, इधर इधर गाड़ी है, Marked a location. बंदे भी उतर रहे हैं, गाड़ी भी है, गाड़ी रुकी है। गाड़ी आई है, बंदे लड़ाई कर रहे हैं, बंदे उधर भी गए हैं। इतना सब सुनकर एक इंसान क्या करता है? ऑफ कोर्स वहाँ पे रश करता है यार, ताकि अपनी को किल मिल सके, और क्या। ये देखो मैं भी यहाँ आई, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी फाइट ख़त्म हो चुकी थी। एक इंसान था, इसको मैंने नॉक फिनिश कर दिया, इसकी पेटी वेटी लूट ली। और हम जा रहे होते जोन में कि इन भाई साहब ने फायर वायर करके हमें बुला लिया। वहाँ देख रहे थे, लेकिन यहाँ से एक भाई साहब जोन में भागने की तैयारी कर रहे होते, तो इनको नॉक दिया। और जैसे कि मेरा मानना है, जैसे ही नॉक तो वैसे ही ख़त्म करो। तो मैं ख़त्म करने जा ही रही होती हूँ कि हमारे 4 नंबर भाई उसके ऊपर गाड़ी चला देते। बड़े बहरे में इसे मारा यार उसको बेचारे को। कोई नहीं, अपने को किल मिला। ए, उड़ के कोई डेंजर आ है, रहा है रे, डेंजर है। कौन कह रहे उड़ के? कोई तो उड़ के गया लेकिन समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये भाई साहब कब से उड़ रहे, पकड़ में ही नहीं आ रहे, फाइनली आ गए। इनको निपटा के जा रही होती अपने टीममेट के पास कि चलो देखते हैं हेलो कौन मिस, इन्हें परेशान हेलो कर रहा है। यार लेकिन वेजिटेबल, तुम उतने मुझे में ही सुनाई क्या ये हालत भाई है? साहब लैंड करते हैं मेरे एकदम पास। और अब इतने पास लैंड कर चुके हैं ये, तो इनको बिना मारे तो मैं छोड़ नहीं सकती। जाने गाइस, प्लीज स्ट्रीम को एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने चैनल पे रॉयल पास का गिव अवे होने वाला है तो उसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑसम, हाँ, इसमें अनाउंसमेंट करना भी ज़्यादा ज़रूरी था, है ना। एनीवे, तो अपने गेम की ओर ये बढ़ते आसमान हैं। में कौन उड़ रहा फिर है? एक अरे उड़ने वाला मेरे को परेशान कर रहा है यार, क्या करूँ दिखते इनका क्यों मैं। नहीं है, आसमान वाले हैं ये रहा। तो ये मिल गया है, मैं इसको फायर कर रही हूँ, लेकिन ये भाई साहब छत पे रुकने के उतरा मेरे मूड ही ख्याल नहीं है। से, चलो फाइनली यहाँ कोई जाके मुझे ये रुक रिवाइव गए कर दो हैं भाई, और मौका हमारे ही नहीं चार दिया नंबर रिवाइव नहीं रहे करने हैं। का। अरे हट, फायर नहीं हुआ बे, इधर है इधर है।
कोई नहीं, सही टाइम पे अपने दो नंबर भाई ने उस बंदे को फिनिश कर दिया। ब्रोकन वॉल पे मेरे लिए पड़ी 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 आकर मुझे एक बार दे दिया। थैंक यू वेजिटा, थैंक यू सो मच फॉर द 100 सुपर चैट। हां ये भी जरूरी अनाउंसमेंट था। क्या मतलब सुपर चैट जो थी यार, लेकिन यार मेरे को ये समझ नहीं आया मेरा फायर ही नहीं हुआ पता, मतलब मेरे फायर पे टैप ही नहीं हुआ इस बार। बात को थोड़ा सा समझा करो यार, देने पड़ते हैं ऐसे बहाने भी, कभी कभी देने पड़ते हैं ताकि सामने वाले को लगे अरे हाँ यार हो जाता है ऐसा कभी कभी प्रो प्लेयर्स के साथ। तो यहाँ पे रिवाइव होके हील वील होके थोड़े बहुत बहाने देके हम आ जाते हैं मिडस्टन पे। ये भाई साहब हमारी 3 नंबर को नॉक कर देते हैं। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम 3 नंबर को जाके बचाएं, तो मैं मेरा फ़र्ज पूरा ही कर देती हूँ कि उतने में ये लो। हमारे 2 नंबर भी नॉक हो गए यार, चलो अब उनके प्रति भी अपना फ़र्ज पूरा किया जाए। नीचे आ गया क्या बंदा? 2 नंबर को बचा के मैं आ जाती हूँ किल पे और यहाँ पे मुझे मिलता है 1 किल। और अब बारी है ये किल जिसका था उसको ढूंढने की। गुस्सा हो जाएगा, चलो अभी गुस्से गुस्से में अपना मुंह ही दिखा दे। उसने तो मुंह नहीं दिखाया लेकिन किसी और ने मुंह दिखाया और 2 नंबर को पूरा खा गया। अब मुझे इस तरफ दिखा है, मैंने सोचा चलो यार मौली कर ही देती हूँ, तो मैंने इस पर मौली कर ही दी। उतने में उसका एक टीम मेट पूरा हमारे मुँह पर आ जाता है। चलो इसको जैसे तैसे मार दिया है, बंदा आ गया। इसके बाद बारी है इसकी जो हमारे ब्रोकन वॉल पे आकर बैठा है। जोन हट गया अपने से, सामने ब्रोकन वॉल पे बंदा है। इतनी बेरहमी से इसको मारने के बाद अब हमें तलाश है इसके आखिरी बंदे की जो कि है सामने। तो इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देती हूँ लेकिन 3 नंबर जाके इसको निपटा के आते हो। और इस तरह से होता है हमारा 16 किल चिकन गाइस। खुशी देख रहे हो लड़की की? अगर आप इस खुशी को और बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।